आज आप लोगों के एग्जाम है। अच्छा, कैसी तैयारी है आप लोगों की? बहुत है। कितना टाइम दिया आपने इस तैयारी में? 8 घंटे। 8 घंटे। अच्छा अच्छा, तो आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि आपका पेपर अच्छा होगा? ओके, तो किस सब्जेक्ट का पेपर है आपके? बायोलॉजी का। ओके ओके, तो सब मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं? नीट में जाना है? डॉक्टर बनना है आपको? तो आज का पेपर कैसा होगा आप बताएं? सब बहुत अच्छा होगा। आगे भी अच्छा ही होगा, नेक्स्ट पेपर भी। बायोलॉजी आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट है क्या? केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी में से सबसे फेवरेट है? वेरी गुड। तो आप कैसे करेंगे पेपर को? आज पेपर जब आएगा तो कैसे करेंगे उसको? पहले हम उसको रीड करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, जो आते हैं उन पे पहले टिक लगा लेंगे, फिर हम क्वेश्चन पेपर करना मतलब आंसर देना शुरू करेंगे। और आप कोई और बताएं कैसे पेपर अटेम्प्ट करेंगे? पेपर को देखेंगे, सारा समझेंगे, पेपर में क्या क्या पूछा है, उसके बाद उसको आंसर करेंगे सही तरीके से। सही मैनर में आंसर्स लिखेंगे सारे, ताकि सर को लगे कि अच्छे से लिखा है तो नंबर अच्छे मिलेंगे। नंबर अच्छे मिलेंगे, वेरी गुड। तो बायोलॉजी आप सब लोगों का आपने बताया कि अच्छा सब्जेक्ट है, क्या कारण मानते हैं इसका? हमारे सर, एनएस सर, सारा चीजें अच्छी तरीके से समझ में आती है, समझाते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आता है हर कुछ, और याद भी अच्छे से हो जाता है, मतलब समझने के बाद याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, एग्जाम्पल हमेशा से याद रहता है। तो एनएस सर का पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लगता है? और जो डिटेल में भी पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट, एग्जाम्स को अच्छा दीजिए, ठीक है? तो आज किसका पेपर है? बायोलॉजी का। ओके ओके, कैसी तैयारी है आपकी? अच्छी है। पेपर कैसा होगा? कॉन्फिडेंस है? कितना कॉन्फिडेंस है बताओ जरा। 100 out of 100। ओके, अच्छा पेपर कैसे करोगे आप ये बताओ, कैसे अटेम्प्ट करोगे? उनके आगे ए लगा देंगे, जो थोड़े कम आते हैं फिर बी लगा देंगे, और जो मतलब सोच के लिखना है अच्छे से उसके आगे सी लगा देंगे, पहले ए वाले अटेम्प्ट करेंगे फिर बी वाले और फिर सी वाले। मतलब पहले बेस्ट से स्टार्ट करोगे आप? ओके, तो सभी लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं? अच्छा, आपके पीछे नीट भी तो लिखा हुआ है ना, सब नीट की। तो डॉक्टर डॉक्टर बनना ही है सबको, ड्रीम है आपका? तो उसके लिए काम भी हो रहा है उतना? अच्छा, बायोलॉजी कैसे चल रही है आपकी, सब्जेक्ट कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। तो कौन पढ़ा रहे हैं आपको अभी? एनएस सर पढ़ा रहे हैं। ओके ओके, तो आज का पेपर आई थिंक आप लोग जैसा कह रहे हैं वैसे आपका बेस्ट ही होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। गुड डे। हाउ आर यू? आवाज़ नहीं आ रही, क्या प्रेशर में है, टेंशन में हो क्या? ओके ओके, तो आज क्या किसका पेपर है आप लोगों के? मैथ्स का पेपर है। कैसी तैयारी है? हैं बहुत अच्छी है, कहने में या वास्तव में अच्छी है? वास्तव में अच्छी है। अच्छा अच्छा, कैसे पेपर कैसा होगा आज का? अच्छा होगा, हैं अच्छा होगा। तो मैथ्स आपको कौन पढ़ा रहे हैं? तो कैसा लग रहा है, अच्छा पढ़ा रहे हैं सर? अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है सारी चीजें, हैं क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है। अच्छा, मैथ्स मैथ्स टफ तो लगता होगा थोड़ा सा, है? ईमानदारी से बोलो, देखो ऐसे मत बोलो। हाँ स्मिथ, हाँ बोलो स्मिथ। लगता है सर, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लगता है और वो ही ज्यादा लगता है, बाकी इतना कोई नहीं। तुमको कौन सा लगता है मैथ्स में टफ? टफ जो लगता है इंटीग्रेशन ही लगता है। ओके ओके ओके, तो आज पेपर करने की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, मतलब आप पेपर जब करोगे तो कैसे करोगे उसको, कि पहले सब जहाँ से आया वहीं से चालू करना है या कैसे करोगे? ओके ओके, पीछे से आप भी बताओ आप कैसे करेंगे पेपर, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? जो आता होगा वो पहला करेंगे, तो मतलब कॉन्फिडेंस है आपको, अच्छा हो जाएगा। हाँ ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, लाइफ में कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। चलो ऑल द बेस्ट। आज एमकेजेन क्लासेस में टेस्ट का डे है, और एमकेजेन क्लासेस की जो टेस्टिंग पैटर्न है वो बहुत ही यूनिक होती है, और
एक मॉक टेस्ट की तरह किया जाता है ताकि बच्चों को एग्ज़ाम से पहले ठीक एग्ज़ाम वाली फीलिंग हो। सभी बच्चों को एडमिट कार्ड दिए जाते हैं। डिसिप्लिन MKGN क्लासेस की एक बहुत बड़ी USP है, क्योंकि MKGN क्लासेस का ऐसा मानना है कि डिसिप्लिन जो है वो आगे बढ़ने की पहली स्टेप है सफलता को पाने की। तो बच्चे सभी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उनको एडमिट कार्ड दिए जाते हैं, एग्ज़ाम में बैग अलाउड नहीं होते हैं, एग्ज़ाम के दौरान पूरा इन्विजिलेशन प्रॉपर बिल्कुल एक माहौल में किया जाता है, जिससे बच्चे को एक ये महसूस हो कि वो वास्तव में उसको इसी तरह का एग्ज़ाम आगे फेस करना है। बच्चों को एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी बताई जाती है कि उनको क्वेश्चन पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही अलग तरह से किया जाता है, पेपर के सेट्स बनाए जाते हैं ताकि बच्चों को एग्ज़ाम की तरह ही ABC जो एक सेट होता है उस तरह से उन बच्चों को सारा सेट मिले। बच्चे को अलग अलग ग्रुप्स में एंट्री दी जाती है। ये बहुत ही बड़ा कैंपस है MKGN क्लासेस का, जिसमें बच्चों को पूरा उनको एक एक्सपोज़र मिलता है एग्ज़ाम के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे MKGN क्लासेस में न केवल बोर्ड लेवल बल्कि SIP सिस्टम चलता है, जिसमें बोर्ड के साथ साथ बच्चे मेडिकल, IIT, एम्स, नीट, KVPY जैसा आप देख रहे हैं, इन सब की तैयारी करते हैं। बहुत ही बड़ा कैंपस है जिसमें अलग अलग जो है वो विंग्स हैं, और उसके अंदर एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, एक बड़ी तैयारी के साथ में, एक बड़े विजन के साथ में MKGN क्लासेस बच्चों को तैयार करता है।